हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम लुसेंट हिंदी जो है और उसमें हिंदी से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसका एमसीक्यू है। ये पहला एक्सरसाइज है इसका, तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज चला रहा हूँ, अगर आप लोग कहोगे तो मैं उसका एक्सरसाइज मीन से सब्जेक्टिव टाइप का जो होता है वो भी चला दूंगा, पर पहले ऑब्जेक्टिव कम्प्लीट कर लेता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट में मुझे मेंशन कर देना, ठीक ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ये जान लो कि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 343। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक ना, इसको याद रखना। आर्टिकल 343 में क्या है, हमारा राष्ट्रभाषा क्या होगा? हिंदी होगा। चलो पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? मीन्स हिंदी जो है किस परिवार की भाषा से वो आया हुआ है? ये कहाँ से आया है? भारूपीय से। भारूपीय आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? हिंदी है। वहीं अगर दुनिया की बात करें, दुनिया में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वो या तो चाइनीज बोलो या उसी को मंदारी कहा जाता है, ठीक ना, मंदारी। तो वो भी याद रखोगे, पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से। किस से? अपभ्रंश से। हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा या कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? मीन्स अगर हम सब्जेक्टिवली पढ़ेंगे तो देखो, हिंदी जो आया है उसको दो टाइप में मीन्स डिफाइन कर दिया गया है हिंदू के। तो हिंदी में पहले आया है दक्षिणी और उत्तरी। तो दक्षिणी में आ गया है तेलुगु, ये जो भी कन्नड़ मलयालम ये सब, ठीक ना, और उत्तरी में आ गया है बंगाली गुजराती ये सब आ गया है। तो वो हम सब्जेक्टिव में जब पढ़ेंगे तब विस्तार से कर लेंगे, लेकिन अभी ये जानो कि ये सारा जो भी है ये होता है उत्तरी में और ये क्या है? दक्षिणी में। तो ये हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। हिंदी आ गया उत्तरी में और ये तेलुगु आ गया दक्षिणी में। तो जब हम आगे डिफाइन करेंगे समझ में आ जाएगा। अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, तेलुगु। नेक्स्ट है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा का यूज किया जाता है काव्य भाषा के लिए, कवि इसका अधिक यूज करते हैं, काव्य भाषा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हमारी क्या है? राज्य भाषा है, ठीक ना, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा नहीं करेंगे, ठीक ना, राज्य भाषा में इसको हम रखेंगे। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, डुडाड़ी बोली जाती है। डुडाड़ी एक लैंग्वेज है जो कहाँ बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में। कहाँ पे? पूर्वी राजस्थान। आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। कौन सी भाषा को ब्रजबुली कहा जाता है? तो बंगला का जो पुराना फॉन्ट है, पुरानी बंगला, उसे हम कहते हैं ब्रजबुली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इनमें से कौन सी भाषा जो है वो देवनागरी से ही रिलेट है, मीन्स देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है? तो वो कौन सा है? मराठी। मराठी। एक चीज यहाँ पे आपको और ध्यान रखना होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद मीन्स अनुसूची 8 में कितने क्षेत्रीय भाषा है? तो 22। ये इंपॉर्टेंट है। और 22 क्षेत्रीय भाषा में वही भाषा इसमें इंक्लूड होता है जिसका अपना लिपि होता है, ध्यान रखना है आपको। जैसे कि मान लो भोजपुरी काफ़ी पॉपुलर हो गया लेकिन उसका अपना लिपि नहीं है, मगही उसका अपना लिपि नहीं है, तो जिसका अपना लिपि नहीं है वो क्या होगा? संविधान में नहीं आएगा, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में, ये तो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, एक मनई के दुई बेटे रहिन, ओइम लहुड़ा अपन बाप से कसिन, ये एक लैंग्वेज लिखा गया है, ये किस हिंदी भाषा में बोली जाती है? मीन्स ये कौन सा लैंग्वेज है? तो ये है अवधी। अवधी, अवधी अवध में बोला जाता था, अवध साम्राज्य में, इसलिए इसको अवधी कहा जाने लगा। नेक्स्ट है, ये मिक्सअप है दो लैंग्वेज का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा भाषा संस्कृत भाषा का भी अंग है, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा? पाली। पाली। नेक्स्ट है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो सबसे अधिक जो हुआ वह है ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि आंसर होगा हमारा डी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पूछा जा रहा है कि हिंदी का जो मुख्य लिपि होता है वो क्या होता है? देवनागरी। देवनागरी। वह इंग्लिश का क्या होता है? रोमन, याद रखना, रोमन। अच्छा, हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 14 सितंबर को, ये भी याद रखना चाहिए आप लोगों को, 14 सितंबर हिंदी दिवस। नेक्स्ट है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है,
तो अभी जो हम लोग हिंदी मीन्स प्रचलित है वो पूर्ण मीन्स देवनागरी नहीं है, उसमें हम लोग क्या करते हैं बहुत का उर्दू मिक्सअप करते हैं। वो हुआ यूँ कि जब अंग्रेज का शासन रहा और फिर उससे पहले मुस्लिम मीन्स मुगल वंश या ऐसा कुछ रहा, तो उसमें भाषा का बहुत गलत हुआ, ठीक ना। तो हम वो अगर सब्जेक्टिव रूप से पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है, तो हम आपके पास ज़रूर लेके आएंगे वो हिंदी का कम से कम लेके आएंगे, ताकि आप लोग जान जाओगे कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी कहाँ से विकास हुआ, कहाँ उसमें क्या चेंजेज आया, तो वो ज़रूरी है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, खड़ी बोली प्रचलित जो है वर्तमान में हिंदी का वो क्या है, खड़ी बोली है। फिर हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, मीन छत्तीसगढ़ी जो है वो कहाँ बोली जाती है, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़ी में बोली जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में बोली नहीं जाती है, मीन्स पश्चिम साइड में नहीं बोला जाता है, तो बघेली पश्चिम में नहीं बोला जाता है, ठीक ना। और ये ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली ये कहाँ बोला जाता है, पश्चिम साइड में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य भाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, तो इसका मैंने जिक्र किया था 343, तो 343 से लेकर 351 तक क्या है, राज्यभाषा, देखिए राष्ट्रभाषा नहीं लिखा है, ठीक ना। एक प्रश्न आया हुआ था कि भारत का हिंदी क्या है, तो वो राज्यभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वो है चेन्नई में, चेन्नई। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, तो कौन सा है, पहले हुआ पाली, फिर प्रकृति, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। तो आपसे पूछा जाएगा कि अपभ्रंश मीन्स किसका था, तो हिंदी का, ठीक ना। पाली से प्रकृति पाया, प्रकृति से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी, आंसर हमारा होगा ए। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, किस तरह से हिंदी का विकास होगा, ठीक ना, आंसर हमारा होगा डी। फिर यह ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा किस टाइप की भाषा है, तो पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। देखो पश्चिमी हिंदी क्या होता है, एट फर्स्ट तो पहले उत्तर और दक्षिण हिंदी कर दिया गया, तो दक्षिणी हिंदी का फॉन्ट एक है, और फिर उत्तर में क्या हो गया, पूर्वी और पश्चिमी अलग कर दिया गया, इसमें है ये पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी जैसे गुजरात का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, ये सब हिंदी क्या आता है, पश्चिमी हिंदी में आता है। नेक्स्ट हमारा मगही किस उपभाषा में बोली जाती है, तो मगही है बिहार के पटना से बोला जाता है वो, तो क्या हो जाएगा, बिहार, ठीक ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा बिहार। फिर है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, मीन्स हिंदी जो है ये भी हम पढ़े हुए थे, शेर सैनी से, किससे, शेर सैनी से, ये खड़ी बोली की बात की जा रही है, हिंदी की खड़ी बोली शेर सैनी से। फिर भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई, कब की गई, 1956, अगर आपको याद हो तो इसमें एक रामालू नाम का आदमी था, रामालू, ये अमरण अनशन किया हुआ था, तब आंध्र प्रदेश अलग हुआ था, ठीक ना। तो सबसे पहले भाषा के आधार पर जो अलग स्टेट बना वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश, ये एक संविधान का प्रश्न हो गया, और वो कब बना, 1956 में बना। और यहाँ पे दिया गया है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनः संरचना कब हुआ, तो 1956, ये आपको कैसे भी पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट वही प्रश्न आ गया, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, किस राज्य का गठन हुआ, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अच्छा कमेंट में बताओ, आंध्र प्रदेश का अभी कैपिटल चेंज हुआ है, तो वो कौन सा कैपिटल है, नाम बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, तो वो है पूर्वी हिंदी से, पूर्वी हिंदी, आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट है, किस स्थिति को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, तो कब लिया गया, 24 सितंबर 1949 को, इसीलिए हम 24 सितंबर को क्या मनाते हैं, नेशनल हिंदी डे, ठीक ना, ये डेट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे बीजी खेर, बीजी खेर, आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट है, संविधान सॉरी भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है, कितनी है, 22। हिंदी की आदि जननी है, मीन्स हिंदी की जननी किसे कहा गया है, किसे कहा गया है, संस्कृत, संस्कृत, जितने भी मुख्यतः भाषा है सबका जननी कौन है, संस्कृत ही है। नेक्स्ट, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन किस स्थल पे हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, वो न्यूयॉर्क का। अगर यहीं पूछ दे कि 2019 में जो सॉरी 2018 का, 19 का नहीं हुआ है, 14 सितंबर को होगा, 2018 का जो हुआ वो कहाँ पे हुआ था, मॉरिशस में हुआ, मॉरिशस, ठीक ना, मॉरिशस।
अच्छा उसके मीन्स प्रदीप चौधरी है वहाँ के अभी प्रेसिडेंट, ठीक ना। तो वहाँ पे हिंदी एक विश्वविद्यालय ही बनने वाला है जिसका फंडिंग इंडिया करेगा, हमारे जो भी रामनाथ कोविंद जो भी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे जाके उसका अनावरण किए थे। तो अब जब आप इस वीडियो को देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप अपडेट हो जाओगे कि कहाँ पे ये सम्मेलन हो रहा है, ठीक ना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? मलयालम, मलयालम। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है, अभी पढ़े थे, 14 सितंबर को। तो ये था इस वीडियो का एंड। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताइए, अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक भी कीजिए, पर कारण जरूर बताइए ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।